हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल आरवी प्रसाद में आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि जानते हैं कि अपने YouTube चैनल के माध्यम से हम फिजिक्स, मैथ एवं साइंस से संबंधित फैक्ट्स को देते रहते हैं, तो यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। 11th फिजिक्स में हम आज एक नए चैप्टर को लेकर के आ रहे हैं जो सदिश विश्लेषण वेक्टर एनालिसिस है, और इसमें हमारा पहला टॉपिक होगा सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, एक को कहते हैं अदिश राशि और दूसरी होती है सदिश राशि। अदिश राशि को इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी कहते हैं और सदिश राशि को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सदिश राशि किसे कहते हैं। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, स का मतलब होता है साथ और दिश का मतलब होता है दिशा। तो ये ऐसी भौतिक राशियां होती हैं जिनमें दिशा होता है या जिन्हें दिशा के साथ व्यक्त किया जाता है। तो वे भौतिक राशियां जिन्हें पूर्णतः व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। सदिश राशियां इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं। जैसे एक हम भौतिक राशि को ले रहे हैं, बल, फोर्स। जैसे बल, अगर हमको बल को व्यक्त करना होता है तो बल के मान, वैल्यू या फिर परिमाण के साथ साथ दिशा को भी लिखते हैं। जैसे अगर हम केवल लिखें 10 न्यूटन बल, बल का मात्रक जैसा कि आप जानते हैं न्यूटन होता है, तो अगर हम 10 न्यूटन बल लिखें तो ये बल के विषय में पूर्णतः जानकारी नहीं मिलती है। इसके लिए हमको दिशा भी बताना पड़ता है। तो जैसे अगर हम लिख दें 10 न्यूटन पूर्व की ओर, या दूसरी तरह से 10 न्यूटन ऊपर की ओर, तो इस तरह से अगर हम इसको लिखते हैं तो बल के विषय में हम पूरी जानकारी देते हैं, यानी बल का परिमाण भी लिखते हैं और उसकी दिशा भी लिखते हैं। तो कुछ ऐसी भौतिक राशियां होती हैं जिनको पूर्णतः व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। इन्हीं भौतिक राशियों को हम क्या कहते हैं, सदिश राशियां कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल के लिए बल हो गया, और क्या हो गया, वेग, ये भी सदिश राशि है। जैसे अगर हम वेग लिखें 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड अगर लिख दें एक दिशा लगा के उत्तर की ओर, तो अब वेग के दिशे में हमने पूरी जानकारी दे दी है। इसीलिए वेग को हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं, क्योंकि वेग के विषय में पूरी जानकारी के लिए हमको न केवल उसके वैल्यू, उसके मान को लिखना पड़ता है बल्कि दिशा को भी लिखना पड़ता है। संवेग, बल, आघूर्ण, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये सब ऐसी भौतिक राशियां हैं जिन्हें पूर्णतः व्यक्त करने के लिए हमको न केवल उनके परिमाण की आवश्यकता होती है बल्कि दिशा की भी आवश्यकता होती है। अब अगर किसी सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी को व्यक्त करना होता है तो एक तो उसका मान दिशा सहित लिख करके व्यक्त करते हैं, दूसरा संकेत में अगर लिखना होता है तो उस भौतिक राशि के संकेत पर एरो, तीर लगा करके लिखते हैं। जैसे एक वेक्टर क्वांटिटी बल है, बल को अगर 10 न्यूटन लिखना है पूर्व की ओर, तो इस बल को लिखने के लिए हम लिखेंगे F, बल का संकेत, और इस पर छोटा सा एरो लगा देंगे। तो ये हमारा हो गया बल को लिखने का तरीका, बल का संकेत F लिखा और इस पर छोटा सा एरो लगा दिया और इसको लिख दिया बराबर 10 न्यूटन पूर्व की ओर। तो ये एक तो तरीका ये है सदिश राशि को लिखने के लिए, या फिर अगर वेग लिखना हो तो इसको हम भी लिखते हैं, इसके ऊपर एरो बनाते हैं और इसका मान लिख देते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड, या जितना भी वेग हो उसका मान लिखते हैं, और दिशा उत्तर की ओर, पूरब की ओर, पश्चिम की ओर,
इस तरह से दिशा भी लगा देते हैं। तो एक तो तरीका ये हो गया किसी भी सदिश राशि को लिखने का। दूसरा तरीका होता है कि आप इस सदिश राशि के दिशा को देखते हैं और परिमाण को देखते हैं। तो जो दिशा होती है उसी दिशा में एक तीर बनाते हैं, एरो बनाते हैं। जैसे आप जानते हैं कि ये पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर उत्तर होता है और इधर दक्षिण होता है। तो अगर हमको 10 न्यूटन पूर्व की ओर व्यक्त करना हो तो दूसरा तरीका होता है इसको इस परिमाण के अनुपात में लंबाई का हम एक तीर बनाते हैं और उस तीर की दिशा वही होती है जिस दिशा में ये बल लगा होता है। तो बल अगर पूर्व की दिशा में है, पूर्व की ओर है, तो पूर्व की ओर हम तीर ऐसे बनाते हैं। ये तीर हो गया पूर्व की ओर और इस तीर की लंबाई जिस अनुपात में उस बल का मान होता है, परिमाण होता है, उसी अनुपात में होता है। यानी 10 न्यूटन बल पूर्व की ओर है तो 10 न्यूटन के अनुपात में लंबाई का हम तीर बनाएंगे और उसकी दिशा को पूर्व की ओर करेंगे। जैसे हम यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर 2 न्यूटन यानी 1 सेंटीमीटर का तीर बनाए तो वो 2 न्यूटन को प्रदर्शित करें। तो यहाँ पर 10 न्यूटन को दिखाना है तो 1 सेंटीमीटर में 2 न्यूटन दिखेगा। तो 5 सेंटीमीटर की लाइन अगर खींचें तो ये 10 न्यूटन दिख जाएगा। तो ये 10 न्यूटन दिखाने के लिए हम 5 सेंटीमीटर की लाइन खींच देते हैं और इसको तीर के रूप में बदल देते हैं, या कह लें कि 5 सेंटीमीटर लंबी तीर बनाते हैं और इसकी दिशा पूरब की ओर करते हैं और इसके नीचे लिखते हैं वेक्टर एफ बराबर 10 न्यूटन। इस तरह से वेक्टर को व्यक्त करने का यह तरीका है। इसी तरह से 10 मीटर पर सेकेंड वेग को दिखाना है उत्तर की ओर, तो उत्तर की ओर एक तीर बनाएंगे और उस तीर की लंबाई भी इस परिमाण के अनुपात में करेंगे। अगर परिमाण ज़्यादा है तो बड़ा तीर बनाएंगे और परिमाण कम है तो छोटा तीर बनाएंगे। तो यहाँ पर भी हम मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड दिखाना है तो 5 सेंटीमीटर का तीर बना देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड दिखाएगा। तो ये तीर 5 सेंटीमीटर का है और इसको लिखेंगे भी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड। तो एक तो बड़े तीर के माध्यम से आप इस सदिश राशि को दिखाएंगे, तीर की लंबाई उसके परिमाण के अनुपात में खींचेंगे और दिशा जिस दिशा में सदिश राशि होती है, जिस दिशा में वेक्टर क्वांटिटी होती है, उस दिशा में हम तीर को बनाते हैं और दूसरा उसके संकेत पर छोटा सा तीर बना देते हैं। ये हमारा जैसे वेलोसिटी वेग का संकेत भी है, उसके ऊपर छोटा सा तीर बना दिए तो हमको ये पता चल गया कि हम वेग लिखे हैं और वेग क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम एफ पर छोटा सा तीर बनाते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम एफ बल के संकेत को लिखे हैं और उस पर तीर बना के बताने का प्रयास किया है कि बल क्या है, एक सदिश राशि है और उसका मान इस तरह से हम लिखेंगे दिशा सहित, जैसे 25 न्यूटन ऊपर की ओर। एक तो ये तरीका हो गया और दूसरा तरीका हो गया कि इस 25 न्यूटन के अनुपात में हम लंबाई का तीर खींचेंगे और उसकी दिशा ऊपर की ओर कर देंगे, जैसे ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से एक तीर बनाएंगे और इसकी लंबाई 25 न्यूटन को दिखाने के लिए मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 5 न्यूटन। तो 5 सेंटीमीटर में कितना न्यूटन हो जाएगा, 25 न्यूटन। तो 5 सेंटीमीटर का एक तीर बना दिए और उसकी दिशा ऊपर की ओर कर दिए और यहाँ पर लिख दिए एफ बराबर 25 न्यूटन ऊपर की ओर। या अगर ऊपर की ओर नहीं भी लिख रहे हैं तो ये एरो खुद बता रहा है कि बल की दिशा किधर है, ऊपर की ओर है। अब वेक्टर कई प्रकार के होते हैं, उसको हम एक एक करके देखते हैं। जैसे पहला वेक्टर जो होता है वो समान वेक्टर होता है। यहाँ पर वेक्टर का मतलब सदिश राशि होता है तो ज़्यादातर हम वेक्टर ही बोलते हैं। तो समान वेक्टर अगर देखें तो हम उन वेक्टरों को समान वेक्टर कहेंगे जिनका मान परिमाण बराबर हो और दिशा भी एक ही हो।
तो जैसे ये एक वेक्टर हो गया जिसको हम ए नाम से देते हैं, कोई भौतिक राशि है जिसका संकेत ए है और उस पर एक छोटा सा एरो बना करके हम बता दिए कि ये भौतिक राशि सदिश राशि है। दूसरी वेक्टर क्वांटिटी बी है, उसकी भी दिशा पूरब की ई हो रहा है और उसकी भी लंबाई उतनी ही है, तो दोनों तीरों की लंबाई बराबर है, यानी दोनों वेक्टर ए और बी क्या है बराबर है, तो क्या लिखेंगे वेक्टर ए बराबर क्या वेक्टर बी। क्यों? क्योंकि दोनों के परिमाण भी बराबर है, ये देखिए लंबाई परिमाण को बताता है, तो दोनों तीरों की लंबाई बराबर है यानी दोनों के परिमाण बराबर हैं और दोनों की दिशा एक ही है, तो ये वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। इसी तरह से दूसरा वेक्टर हम असमान वेक्टर देखते हैं, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये वेक्टर असमान है, तो असमान किन आधार पर हो सकते हैं, या तो परिमाण ही भिन्न भिन्न हो, या तो फिर दिशा ही भिन्न भिन्न हो, या तो दिशा और परिमाण दोनों भिन्न भिन्न हो, यानी अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी में दो बातें होती हैं, एक परिमाण और दूसरा दिशा, तो अगर परिमाण अलग अलग है तो भी वेक्टर क्वांटिटी अलग अलग होगी, दिशा अलग अलग है तो भी वेक्टर क्वांटिटी अलग होगी, और परिमाण और दिशा अगर दोनों अलग अलग है, दोनों भिन्न भिन्न है, तो भी ये जो वेक्टर क्वांटिटी होगी वो असमान होगी। तो जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर दिशा तो एक ही है लेकिन परिमाण अलग अलग है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो आप देखिए दोनों की दिशा एक ही है लेकिन एक छोटा है दूसरा बड़ा है, यानी परिमाण क्या है अलग अलग है, तो परिमाण क्या हो गया, परिमाण बराबर नहीं है लेकिन दिशा क्या है, दिशा एक ही है, तो दिशा एक ही होने के बावजूद भी अगर परिमाण अलग अलग है तो ये कौन से वेक्टर माने जाएंगे, असमान वेक्टर माने जाएंगे। इसी तरह से अगर दूसरा देखें तो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी, इसमें आप देखिए दोनों की लंबाई बराबर है, तो इसका मतलब कि दोनों के परिमाण बराबर है, क्योंकि जिस अनुपात में परिमाण होते हैं उसी अनुपात में लंबाई खींची जाती है, तो दोनों की लंबाई बराबर है, इसका मतलब परिमाण दोनों के बराबर है, परिमाण क्या है बराबर है लेकिन दिशा क्या है अलग अलग है, तो दिशा अलग अलग होने के कारण ये दोनों वेक्टर ए और बी बराबर नहीं होंगे, यानी ए इज नॉट इक्वल टू बी, ये हो गया। और यहां पर परिमाण अलग अलग है, परिमाण बराबर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में यहां पर भी लिख देंगे ए इज नॉट इक्वल टू बी, ये। अब तीसरी दशा होती है जब न तो दिशा एक ही है न तो परिमाण बराबर है, तो यहां पर देखिए एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, यहां पर देखिए न तो इन दोनों एरो की लंबाई बराबर है न तो दिशा एक ही है, तो लंबाई बराबर नहीं है इसका मतलब कि परिमाण बराबर नहीं है और दिशा भी एक ही नहीं है, दिशा भी क्या है, दिशा भी अलग अलग है, तो इस स्थिति में भी वेक्टर ए जो होगा वो वेक्टर बी के बराबर नहीं होगा। ये हो गया हमारा दो वेक्टर तीन दशा में एक दूसरे से भिन्न है असमान है, या तो परिमाण ही भिन्न हो, या तो दिशा अलग अलग हो, या तो परिमाण भिन्न भिन्न हो और दिशा भी अलग अलग हो, तो ऐसी स्थिति में दोनों वेक्टर असमान वेक्टर की श्रेणी में आते हैं। तीसरा जो वेक्टर होता है वो होता है विपरीत वेक्टर, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हैं, उल्टे हैं, तो यहाँ पर अपोजिट का संबंध दिशा से होता है, अगर दिशा एक दूसरे के विपरीत हो गई और परिमाण सेम सेम है बराबर बराबर है, तो ऐसी स्थिति में ये वेक्टर कहे जाते हैं विपरीत वेक्टर। तो क्या एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, दोनों के परिमाण जहाँ तक हम देख रहे हैं बराबर बराबर है, क्यों, क्योंकि दोनों की लंबाई सेम है, लेकिन दिशा क्या है अपोजिट है, यानी यहाँ पर ए वेक्टर जो होगा बी के बराबर नहीं होगा, एक बात यहाँ से पता चला, और दूसरा पता चला कि अगर वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है तो बराबर तो नहीं है लेकिन बी को उलट दिया जाए,
बी की दिशा क्या हो, उलट दिया जाए। तो बी की दिशा उलटने का मतलब कि वेक्टर बी के पहले माइनस चिन्ह लगा देंगे तो ये हो जाएगा दिशा उलट जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा ए बराबर माइनस वेक्टर बी। यहाँ पर ये देखिए वेक्टर बी है, इसी को अगर दिशा उलट दे इस तरह से कर दे तो ये वेक्टर हो जाएगा माइनस बी क्योंकि दिशा उलट गया है और ये वेक्टर ए है। तो अब यहां पर देखने से क्या पता चल रहा है, वेक्टर ए वेक्टर माइनस बी के बराबर होगा लेकिन वेक्टर ए वेक्टर बी के बराबर नहीं होगा। तो जो विपरीत वेक्टर होते हैं उनके परिमाण तो बराबर होते हैं लेकिन दिशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। चौथा क्या है, लंबवत वेक्टर। लंबवत वेक्टर जैसे देखिए एक वेक्टर हमारा ए है, ये वेक्टर ए हो गया जिसकी दिशा आप देख रहे हैं और दूसरा वेक्टर बी है इस तरह से, तो बी वेक्टर उत्तर की तरफ है, उत्तर की तरफ, और ए वेक्टर क्या है पूरब की तरफ है। तो दोनों वेक्टर क्या हुए, एक दूसरे के लंबवत हो गए। तो ऐसे वेक्टर को क्या कहते हैं, लंबवत वेक्टर। यानी दोनों वेक्टर की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो ये वेक्टर क्या कहे जाएंगे, लंबवत वेक्टर कहेंगे। और एक वेक्टर होता है शून्य वेक्टर, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का मतलब होता है कि इसमें परिमाण क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, परिमाण जीरो है। और जब किसी वेक्टर का परिमाण जीरो है तो दिशा का कोई मतलब नहीं होता है, दिशा मीनिंगलेस हो जाता है। तो एक तरह से ये जो जीरो वेक्टर है, शून्य वेक्टर है, इस वेक्टर को हम काल्पनिक वेक्टर के रूप में जानते हैं। इसका उपयोग केवल एक ही होता है कि यदि किसी एक वेक्टर में उसके अपोजिट वेक्टर, ए का अपोजिट वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, को जोड़ दिया जाए तो जो वेक्टर प्राप्त होगा उसी को हम क्या कहेंगे, शून्य वेक्टर कहेंगे। तो इस शून्य वेक्टर का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है, इसकी आवश्यकता केवल एक ही होती है कि किसी एक वेक्टर में उसके अपोजिट वेक्टर को जोड़ दिया जाए तो हमको जो वेक्टर प्राप्त होगा उसको हम क्या कहेंगे, शून्य वेक्टर कहेंगे। उसके बाद हमारा एक वेक्टर आता है छठवां, एकांक वेक्टर, यूनिट वेक्टर। तो आइए देखते हैं यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो छठा वेक्टर है यूनिट वेक्टर एकांक वेक्टर, यूनिट वेक्टर। इसमें क्या होता है, ऐसे वेक्टर होते हैं जिनका परिमाण एक होता है, एकांक होता है, तो ऐसे वेक्टर को क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं, एकांक वेक्टर कहते हैं। यानी इसका परिमाण क्या होगा, एक मात्रक होगा, एक मात्रक। तो ऐसे वेक्टर को क्या कहेंगे, एकांक वेक्टर कहेंगे। जैसे अगर हम बल एफ बराबर एक न्यूटन लिखें और लिखें पूर्व की ओर, तो ये जो वेक्टर एफ है इसको हम एकांक वेक्टर कहेंगे। तो ऐसे वेक्टर जिनका परिमाण एक मात्रक हो, अगर बल को हम देख रहे हैं तो एक न्यूटन, वेग को देख रहे हैं तो एक मीटर पर सेकेंड, त्वरण को देख रहे हैं तो एक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इस प्रकार के वेक्टर जिनके परिमाण एकांक हो, एक हो, उसे क्या कहते हैं, एकांक वेक्टर कहते हैं। और सातवां सबसे महत्वपूर्ण जो वेक्टर के प्रकार हैं वो है लंब कोणीय एकांक वेक्टर, लंब कोणीय एकांक वेक्टर। ये ऐसे वेक्टर होते हैं जिनके परिमाण एकांक मात्रक होते हैं और दिशा एक दूसरे के लंबवत होते हैं। क्या परिमाण एक मात्रक, एक मात्रक का मतलब एक बल है तो एक न्यूटन, अगर बल को देखें तो एक बल का मात्रक न्यूटन, वेग को देखें तो एक वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से अगर कुछ ऐसे एकांक वेक्टर हों जिनके परिमाण एक मात्रक हों और वे एक दूसरे के लंबवत दिशा में हों, तो ऐसे वेक्टर को क्या कहेंगे, लंब कोणीय एकांक वेक्टर कहेंगे। जैसे एक वेक्टर है ए बराबर एक मात्रक और दूसरा वेक्टर है बी, ये बराबर भी है एक मात्रक लेकिन दिशा क्या है, एक दूसरे के लंबवत है। ये अगर हम पूरब की दिशा माने तो ये उत्तर की दिशा में है, तो दोनों क्या है, एक दूसरे के लंबवत है। तो ए और बी, ए एवं बी
क्या हो जाएंगे, लंब कोणीय एकांक वेक्टर हो जाएंगे। लंब कोणीय का मतलब उनके बीच का कोण 90 डिग्री, और एकांक वेक्टर का मतलब इनका परिमाण जो है वो एकांक मात्रक है, एक मात्रक है। तो ये दोनों ए और बी क्या हो जाएंगे, लंब कोणीय एकांक वेक्टर हो जाएंगे। अब इसी लंब कोणीय एकांक वेक्टर में तीन स्पेशल वेक्टर होते हैं। जैसे अगर कोई वेक्टर है उसका परिमाण एक है लेकिन दिशा यक्ष अक्ष की दिशा में हो, क्या अगर कोई वेक्टर हम तीन एक्सिस की दिशा बनाते हैं, इधर यक्स एक्सिस होगा, इधर वाई एक्सिस होगा और इधर जेड एक्सिस होगा। तो अगर कोई वेक्टर ऐसा है जिसकी दिशा यक्स अक्ष की तरफ है और उनका परिमाण एक मात्रक है, कितना परिमाण है, एक मात्रक। दूसरा, अगर कोई वेक्टर वाई अक्ष की दिशा में है और इसका परिमाण भी एक मात्रक है। और तीसरा, अगर कोई वेक्टर जेड अक्ष की दिशा में है और इसका भी परिमाण एक मात्रक है। तो ये तीनों वेक्टर एकांक वेक्टर होंगे और एक दूसरे के लंबवत भी हैं। यक्स एक्सिस के दिशा में जो एकांक वेक्टर है वो वाई एक्सिस के दिशा में जो एकांक वेक्टर है उसके क्या है, लंबवत है, 90 डिग्री पर है। फिर वाई एक्सिस के एलांग जो एकांक वेक्टर है वो जेड एक्सिस के एलांग वेक्टर के लंबवत है। तो ये जो तीनों वेक्टर हैं ये भी लंब कोणीय एकांक वेक्टर हैं, लेकिन इनका एक स्पेशल नाम दिया जाता है, जो यक्स अक्ष के एलांग एकांक वेक्टर है उसको हम कहते हैं आई कैप, और वाई अक्ष के अंदर जो एकांक वेक्टर है उसको कहते हैं जे कैप, और जेड अक्ष के एलांग जो एकांक वेक्टर है उसको कहते हैं के कैप। तो ये लंब कोणीय एकांक वेक्टर है। तो आई कैप, जे कैप और के कैप, ये तीनों ऐसे लंब कोणीय एकांक वेक्टर हैं जिसमें आई कैप यक्स अक्ष के एलांग है, जे कैप वाई एक्सिस के एलांग है और के कैप जेड एक्सिस के एलांग है। तो ये तीनों स्पेशल लंब कोणीय एकांक वेक्टर हैं जिसकी आवश्यकता अक्सर करके आपको पड़ेगी। अब एकांक वेक्टर और वेक्टर के बीच जो संबंध होता है उसको हम देखते हैं। जैसे अगर एक वेक्टर हम ए लिख रहे हैं, एक वेक्टर ए लिख रहे हैं इस तरह से, इसका परिमाण ए है। परिमाण को लिखने के लिए दो तरीका होता है, एक तो पूरे वेक्टर को मॉड की तरह बंद कर देते हैं, दूसरा केवल ए की तरह लिख देते हैं। तो ये दोनों ही क्या है, परिमाण है, किसके, वेक्टर ए के क्या है, परिमाण है। चाहे इसको इस तरह से लिखिए चाहे इस तरह से लिखिए। और अगर ए की दिशा में ही एकांक वेक्टर जानना चाहे तो उसको हम लिखते हैं ए की दिशा में एकांक वेक्टर, ए लिख करके इस पर कैप लगा देते हैं। तो वस्तुतः ये जो ए कैप है वो वेक्टर ए की दिशा को बताता है और मॉड ऑफ वेक्टर ए ए के परिमाण को बताता है। परिमाण को लिखते हैं मॉड ऑफ वेक्टर, वेक्टर का परिमाण। तो इसको पढ़ते हैं मॉड ऑफ ए यानी ए का परिमाण, और ये जो ए की दिशा में एकांक वेक्टर होता है उसको हम ए कैप लिखते हैं। तो यहां से ये दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, यानी वेक्टर ए बराबर ए का परिमाण इनटू ए की दिशा में एकांक वेक्टर। तो ये जो होता है ए कैप वेक्टर ए, वेक्टर ए की दिशा में एकांक वेक्टर होता है, एकांक वेक्टर होता है। तो अब यहां से अगर हम ए निकालना चाहें तो क्या लिखेंगे, वेक्टर ए और बटा ए कैप, यहां से वेक्टर ए बटा ए कैप लिखें। तो ये या तो इसको इस तरह से लिखें या तो इस तरह से लिखें, मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू पूरा वेक्टर ए बटे ए की दिशा में एकांक वेक्टर,
एक ही दिशा में एकांक वेक्टर का मतलब एक है। तो एक फार्मूला यहाँ से बन के आता है कि अगर हम एक वेक्टर बी लें तो वेक्टर बी इक्वल टू लिखेंगे वेक्टर बी का परिमाण इनटू बी की दिशा में एकांक वेक्टर। ये जो होता है वो होता है बी की दिशा में एकांक वेक्टर। तो यहाँ से अगर हम बी का परिमाण निकालना चाहें तो पूरा वेक्टर बी लिखेंगे और उसकी दिशा में एकांक वेक्टर का भाग दे देंगे। ये हो जाएगा बी का परिमाण। इसी को आप बी के परिमाण को इस तरह से भी लिखेंगे वेक्टर बी बटा बी की दिशा में एकांक वेक्टर। तो ये जो हमारा फॉर्मूला होता है किसी वेक्टर के परिमाण को निकालने के लिए। तो ये हमारा रहा वेक्टर कहते किसको है या सदिश राशि कहते किसको है, वेक्टर को लिखते कैसे हैं, और हमने देखा कि वेक्टर के प्रकार क्या होते हैं। उसमें हमने समान वेक्टर देखा, असमान वेक्टर देखा, विपरीत वेक्टर देखा, एकांक वेक्टर देखा, लंब कोणीय एकांक वेक्टर देखा, शून्य वेक्टर देखा, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की दिशा में एकांक वेक्टर देखा, जिसको हम क्रमशः आई कैप जे कैप और के कैप लिखते हैं। किसी वेक्टर और उसकी दिशा में एकांक वेक्टर के बीच संबंध भी देखा। आगे के वीडियो क्लिप में हम देखेंगे कि वेक्टरों को जोड़ते कैसे हैं। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।